Hey everybody, welcome back to our channel. मैं हूँ नेहा, कैसे आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं खान सर पटना कॉमेडी वीडियोज, खान सर ठग लाइफ. तो खान सर के वीडियो जो है, दिस वीडियो इज बाय कॉलिक प्लेस. तो कॉलिक प्लेस का वीडियो बड़े दिनों बाद हम देख रहे हैं. एंड ऑल्सो दिस इज लाइक खान सर ठग लाइफ वाले वीडियोज, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है. जैसे हमें लाइक एवरी टाइम ही आता है, आई जस्ट लव द वे ही एक्सप्लेन्स एवरीथिंग. और दिमाग में ऐसा बैठ जाता है ना, हमारे खान सर के जो भी पढ़ाते हैं बहुत ज्यादा ही मजेदार है ना. सो हाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी, चलिए देखते हैं. जुड़वा मूवी जो थी, इस दोनों की पत्नियां कंफ्यूजन में हो जाती होंगी, कौन किसका है. चाइना में तो सोचो सबका पत्नी एक जैसी दिखती है. बता भाई, ये ओवम बनता कहाँ है? ये वाला जो गोल वाला है ओवम है, ये बनता है ओवरी में. और वेट कहाँ करता है? फॉलोपियन ट्यूब में. लाखों स्पर्म आते हैं इस फॉलोपियन ट्यूब के पास, लेकिन आपको पता है कि एक ही अंदर जा सकता है. लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि ये जो स्पर्म है फॉलोपियन ट्यूब में जाकर इसके अंदर एंट्री कर देता है. एंट्री करने के बाद इसके न्यूक्लियस से मिल जाता है, लेकिन पता नहीं किस कारण से, जिसके बारे में आज तक कोई वैज्ञानिक पता नहीं कर पाए, कि स्पर्म का न्यूक्लियस ओवम का न्यूक्लियस आपस में मिल जाता है, बड़ा होने लगता है, लेकिन किसी कारण बस ये टूट जाता है, जिससे कि शरीर में दो दो बच्चे जन्म लेने लगते हैं. तो सेम चीज होता है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल बच्चे की तरह. लेकिन आगे जाकर इस जाइगोट के अंदर न्यूक्लियस दो भागों में क्या होने लगता है, टूटने लगता है और दो बच्चे का जन्म होने लगता है. तो इस कंडीशन में इसे क्या कहेंगे हम लोग, कि जब कभी भी एक स्पर्म और एक ओवम, कितना स्पर्म, देखिए ध्यान से, एक स्पर्म, ये एक स्पर्म है, अंदर गया ओवम के, कहां गया, अंदर गया. बच्चा एक ही होना चाहिए, क्योंकि एक एग यानी ओवम और एक स्पर्म मिला है. लेकिन होता क्या है आगे जाने के बाद, किसी कारणवश ये ऐसी घटना अननेचुरल होती है, ये हमेशा नहीं पॉसिबल है, अननेचुरल ये घटना हो जाती है, कि आगे जाकर न्यूक्लियस दो भाग में बढ़ जाता है. एक ही स्पर्म था, एक ही ओवम था, लेकिन आगे जाके दो भाग में बढ़ जाता है. आगे जाके क्या बढ़ जाता है, दो भाग में बढ़ जाता है. तो ये किसी को पता ही नहीं चलता है, आज तो कोई वैज्ञानिक नहीं ढूंढ पाए, सब शायद बाबा रामदेव खोज ले इसको पतंजलि में शायद इसको खोज लिया जाए, क्योंकि बाकी डॉक्टर तो टर टर करते हैं बाबा रामदेव के हिसाब से. यही तो एगो डॉक्टर है दुनिया में, है कि नहीं साला. कोई यार मरीज वेंटिलेटर पे होगा तो एक नाक से सांस लो, वेंटिलेटर की कोई जरूरत नहीं. लोगों को समझ में नहीं आता, इतना अच्छा बात बाबा रामदेव समझाते. देखो भाई, ये किसी को नहीं पता है, एक एक और एक स्पर्म टकराता है अंदर, एक दोनों न्यूक्लियस आपस में जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद दोनों न्यूक्लियस बड़े होने के बाद अलग हो जाते हैं और दो सेपरेट बेबी का निर्माण कर देते हैं. हम आपसे पूछते हैं कि इस बेबी, दोनों बेबी का शकल एक जैसा होगा या नहीं होगा? इसमें दोनों का शकल एक जैसा होता है, इसलिए इसे आइडेंटिकल ट्विन कहते हैं. दोनों की आइडेंटिटी सेम दिखती है, और दोनों लड़का ही होगा या दोनों लड़की ही होगी, मतलब दोनों का लिंग यानी सेक्स एक ही होगा. ऐसा नहीं होगा एगो लड़का एगो लड़की, अगर एगो लड़का एगो लड़की होगी तो दोनों का शक्ल कैसे एक होगा, कैसे हो जाएगा. तो इस आइडेंटिटी ट्विन में सब कुछ सेम होता है, फिंगरप्रिंट अलग होती है. मैं तो सोच रहा आधारों कार्ड बदल देगा सर, फिंगरप्रिंट क्या होती है, अलग होती है. तो जब एक स्पर्म एक ओवम नॉर्मली डिलीवरी कर रहा होता है, लेकिन गलती से उसमें दो दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, जैसे एक मुर्गी आती है, उस मुर्गी के अंडे में दो दो पीला वाला योक यानी जर्दी पाया जाता है. दो जर्दी वाला आपने अंडा देखा है कि नहीं, वो सेम इसी तरह होता है. ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या होता है, देखिए ध्यान से. अमूमन महिला में एक ओवम होता है, क्या होता है, एक ओवम आके स्पर्म से टकरा जाता है, बाकी स्पर्म किसी काम के नहीं रहते. लेकिन इत्तेफाक से कभी कभी क्या होता है कि दो ओवम बन जाते हैं, वो भी जब एज ज्यादा होता है, तब जैसे 30-32 का एज हो जाएगा ना, तो ओवम ज्यादा बनने लगेंगे. तो दो ओवम बन गया, तो एक ओवम से एक स्पर्म टकराया, दूसरे ओवम से दूसरा स्पर्म टकराया. ये वाला स्पर्म अलग डिजाइन के बच्चे को जन्म देगा, ये वाला स्पर्म अलग डिजाइन के बच्चे को जन्म देगा. तो इसमें एक लड़का हो सकता है, एक लड़की हो सकता है, या हो सकता है कि
दोनों लड़का लड़की हो लेकिन दोनों का शक्ल मैच नहीं करेगा, क्वालिटी वगैरह मैच नहीं करेगी, तो ऐसे को कहते हैं अनआइडेंटिकल, या उसे कहा जाता है, इसे कहते हैं मोनोजाइगोटिक, क्योंकि देखिए इसमें जाइगोट एक ही था। जाइगोट मतलब क्या होता है, स्पर्म और ओवम के मिलने को जाइगोट कहते हैं, तो एक स्पर्म और एक ओवम था, तो मोनो माने एक, जाइगोटिक तो इसे कहेंगे मोनोजाइगोटिक, नॉर्मल नाम होता है आइडेंटिकल। इसमें देखिए एक स्पर्म एक ओवम एक जाइगोट ये बनाएगा, एक स्पर्म एक ओवम एक जाइगोट ये बनाएगा, तो इसे कहते हैं डाइजाइगोटिक, इसे फेटर्नल कहते हैं, ये मैच नहीं करते हैं, ये टोटल मैच कर जाते हैं। समझ में आ गया जुड़वा कैसे होते हैं? जब दो स्पर्म, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, एगो स्पर्म इससे टकराया एगो स्पर्म इससे टकराया, बहुत नॉर्मल होता है, ऐसा होता नहीं है, हालांकि 30-32 की उम्र के बाद ये चीज होता है, तो दस जुड़वा बच्चे हो जाते हैं। ये हो गया एक स्पर्म एक ओवम से टकराया, आगे जाके दो हो गया ऐसे। लेकिन फिल्मों में ससुरा कुछ और ही दिखा देता है। क्या फिल्म में देखिएगा ना, तो एगो फिल्म आई थी जुड़वा, एक मूवी देखिए जुड़वा, इसमें बताइए सलमान खान के दो दो रोल, ये मोनोजाइगोटिक है कि डाइजाइगोटिक दिख रहा है? वो कहेगा डाइजाइगोटिक, तो सोचा कपड़ों मिलाएगा, इसे सूट पहन ले वो गंजी पहन ले, अरे सोचा कपड़ों का गंजी मिला रहा है, सकलियां मिला ना दोनों सेम है। तो जुड़वा मूवी जो थी, इस दोनों की पत्नियां कंफ्यूजन में हो जाती होंगी, कौन किसका है। चाइना में तो सोचा सबका पत्नी एक जैसी दिखती है, पति पति। ध्यान से समझिए, ये केवल फिल्मों में होता है। देखिए शकल मैच करे वो अलग बात है, शकल मैच करे वो अलग बात होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो नॉर्मल होता है। हमारे क्लास में भी एक जुड़वा बच्चे आते थे, सोचो एक बस एडमिशन लिया था, दोनों एडमिशन नहीं लिए थे सब, एक तो एडमिशन लिया था, उस फोटो भी सेम, सब कुछ सेम था, सब आवाज वगैरह सब सेम, वो मोनोजाइगोटिक यानी आइडेंटिकल था। लेकिन फिल्मों में क्या दिखाता है कि इसको दर्द होगा तो इसको भी दर्द होने लगेगा, ये झुलवा में पलटी मारेगा तो ट्रेन की पटरी पे पलटी मार देगा, ये उसको फाइट चलाएगा तो ये भी फाइट चलाएगा, अरे भाई साहब ये इसको पटाएगा तो वो भी अपने सामने किसी को पटा लेगा, मतलब यार कुछ भी कर देता है सर, वो फिल्मी दुनिया होती है, उसको साइंस से कोई मतलब नहीं होता, वहां कोई ग्रेविटेशन रिप्रोडक्शन वो ही सब काम नहीं करता है। तो जुड़वा कैसे होते हैं आप समझ गए, ठीक है। एक तो दू को चिंकी मिंकी करके यूट्यूब पर आती रहती है सर, चकर पकड़ करती रहती है सर, डांस बहुत अच्छा करती है सर, मतलब वो अब सबका अपना अपना एक कला होता है। दो ठो लड़की है सब देखिएगा चिंकी मिंकी करके, वो दोनों क्या है सब, मोनोजाइगोटिक है सब, दोनों का शकल एक जैसा है, दोनों मतलब हर जी कपड़ों एक जैसा पहनती है सब, तो कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मिरर के सामने आगे पीछे कर रही है सब, तो वो कैसे है सब। इंतजार किया तो दिस इज बेसिकली नाइस इन्फॉर्मेटिव वीडियो, और मुझे एक बात मतलब अभी पता चला कि मुझे अभी तक लाइक नीट में जो भी पढ़ा है मैंने वो मतलब थोड़ी बहुत मुझे अभी तक याद है भैया, दैट इज वेरी नाइस फॉर मी बेसिकली, है ना। तो अभी तक मैं भूलू नहीं, मतलब थोड़ा अच्छे से और ज्यादा थोड़ा मेहनत करती मैं बिना आलतू फालतू के चीजों में लाइक दिमाग ना लगा के, तो मेरे शायद अच्छे मार्क्स आते यार, तो मैं आज जब मे बी MBBS कर रही होती, मे बी गॉड नोज। लेकिन ये वीडियो लाइक नाइस इन्फॉर्मेटिव, सो दैट इज इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सो प्लीज़ फॉलो दैट टू। थैंक यू।